गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नई मात्रा पढ़ेंगे, अंक की मात्रा चंद्र बिंदु तथा अह का प्रयोग। बेटा, ये तीनों मात्राएं कठिन होती हैं, इसलिए हम एक एक करके मात्रा पढ़ेंगे, क्योंकि अंक की मात्रा और चंद्र बिंदु में कंफ्यूजन रहता है दोनों मात्रा के लिए, इसलिए हम इनका अलग अलग पढ़ेंगे और आप अह की मात्रा फिर इसके बाद में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, मुझको एक बात ये बताइए कि मैंने आपको पुरानी मात्राओं का रिवीजन कराया था, आपने उनके पाठ पढ़े या नहीं पढ़े? बेटा, मैंने बुक रीडिंग करवाई थी, आप लोगों की बुक रीडिंग में मुझे मज़ा नहीं आया, आप घर पे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को घर पर बुक रीडिंग की प्रैक्टिस करवाइए, नहीं तो इनकी हिंदी की बुक रीडिंग कमज़ोर हो जाएगी। क्लास में बच्चे आते हैं तो बच्चे बराबर से रीडिंग करते हैं, एक दूसरे को देख के करना सीखते हैं, लेकिन अब क्या है, स्कूल नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है। ऑनलाइन क्लास में भी ये शायद मुझे ऐसा लगता है जितनी देर मैं पढ़ाती हूँ उतनी देर बुक में देखते हैं। तो मेरी प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे की बुक रीडिंग पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। बच्चे को बराबर रोज़ कम से कम 5 या 10 मिनट या 15 मिनट जितनी भी हो सके बच्चे को रीडिंग की प्रैक्टिस करवाइए। तो बच्चों, अंक की मात्रा में देखो, पहले हम ऐसे लाइन ऊपर रहती है और फिर उसके ऊपर बिंदी रहती है। बिंदी बेटा बिल्कुल बीच में लगती है शब्द के, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको फिर से देखो दिखाती हूँ, देखो क, ये देखो क है, फिर क के ऊपर बिंदी कैसे लगेगी, ये देखो क के बीच में, ये आपको नज़र आ रहा है वन की लाइन जैसी नज़र आ रही है ना, ये क जैसे पूरा बना है। तो देखो, यहाँ से आप देखेंगे बिल्कुल बीच में ये बिंदी लगी है, ऐसे ख ख। अब ये देखो, ये लाइन है, दिख रही है, ये बिल्कुल लाइन के ऊपर बिंदी लगी है। फिर ग, ग में भी ये बिंदी कहाँ लगी है, जहाँ पे ये वन की लाइन है उसके ऊपर बिंदी लगी है, ऐसी घ में भी आप देखेंगे। अब हम इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, क में अंक की मात्रा कं, क्या बोलते हैं, कं। ख में अंक की मात्रा खंग, ग में आ की मात्रा गं, घ में आ की मात्रा घं, च में अंक की मात्रा चंग, छ में अंक की मात्रा छंग, ज में अंक की मात्रा जंग और झ में अंक की मात्रा झंग। अब देखो बेटा, जब हम अंक की मात्रा बोलते हैं तो हम सिर्फ सिंपल अपने नासिका का प्रयोग करते हैं, नाक का प्रयोग करते हैं ना, देखो कंग खंग गंग घंग, तो ये जितने भी ये अंग वाला शब्द है ये हमारे नाक के अंदर जाता है। आप बोल के देखिए, कंग है ना, खंग गंग घंग चंग छंग जंग झंग, ऐसे हम क से लेके ज्ञ तक अंक की मात्रा लगाने का भी और बोलने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। अब अंक की मात्रा वाले शब्द, कंगन मंदिर पतंग, कंगन मंदिर पतंग, रंग भंग संग दंग जंग, जंगल शंकर कंकड़ तरंग पलंग, घंटाघर मंगलवार सतरंगी संगमरमर अंगरक्षक। फिर से पढ़ेंगे बेटा, आप शब्दों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, मात्रा बिल्कुल सही लगाएंगे, मात्रा लगाने में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप UKG में आपने मात्रा लगाने सीखी लेकिन आपने प्रॉपर ढंग से कहाँ लगना चाहिए वो वाला मात्रा का यूज़ नहीं सीखा। तो फर्स्ट में आपको सही जगह पर सही मात्रा कैसे लगाएं और फिर उसका हम सही उच्चारण कैसे करें, इस बात को सिखाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, चाहो आप धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन आपको सही बुक रीडिंग की प्रैक्टिस करना है। रंग भंग संग दंग जंग, जंगल शंकर कंकड़ तरंग पलंग, घंटाघर
मंगलवार, सतरंगी, संगमरमर, अंगरक्षक। ठीक है, आपको इसके वर्ड समझ में आ गए। अब आपको इन वर्ड्स में से कोई से भी 10 वर्ड्स जिसमें दो अक्षर वाले भी, तीन अक्षर वाले भी, चार अक्षर वाले भी, है ना, वर्ड होंगे, उनको आपको लिखना है और याद करना है। बेटा आपकी कॉपीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छा वर्क किया। ऐसे ही आप वर्क करते रहिए और कॉपी में जितना आपको मैं करवाती जा रही हूँ वर्क कंप्लीट करते जाइए। और आपको जो बुक एक्सरसाइज हैं वो बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। कॉपी में आपको सिर्फ 10 वर्ड्स लिखने हैं मात्रा के, और घर पे बार बार मात्रा लगाने का प्रैक्टिस करना है और मात्रा को बोलने की प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों आप लोग पुराना जो मैंने करवाया है उसको रिवाइज़ करते जाएंगे, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते गए और पीछे का हमने रिवाइज़ नहीं किया तो हम बेटा सारा भूल जाएंगे। तो पीछे का रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को डेली पीछे के जो पार्ट हैं उनमें से पार्ट का रिवीजन कराते रहिए। तो बच्चों आज हमने अंक की मात्रा सीखी और अंक की मात्रा वाले शब्द सीखे। घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।